जम्मू कश्मीर में कोरोना के 536 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 779 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 509 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 144 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 98 नए मामले सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 438 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 26,949 हो गया है। उत्तरी कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF का संयुक्त ऑपरेशन पिछले कई दिनों से जारी है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिन में 2 आतंकियों और 12 आतंकी समर्थकों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। आतंकी संगठनों को इससे बड़ा झटका लगा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी कश्मीर में लगभग आतंक का सफाया करने के बाद अब सुरक्षा बलों का ध्यान उत्तरी कश्मीर पर है। इसी के चलते पिछले करीब 1 महीने से आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसमें बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। जिला डोडा से मात्र 12 किलोमीटर दूर गनखा वानीपुरा के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस गांव में बिजली व्यवस्था चरमराई है, तारें पेड़ों पर झूल रही है, पेड़ों के अंदर से गुजर रही है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बीते कुछ दिन पहले भी एक बच्चा करंट की चपेट में आ गया। तारों में जोड़ है, तेज हवा चलते ही तारें टूट जाती हैं। बिजली सिर्फ 1 घंटा मिलती है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सड़कों का नामो निशान नहीं है। यहाँ के लोगों ने कई बार प्रशासन से अनुरोध किया पर कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। जम्मू संभाग के जिला सांभा के ब्लॉक गगवाल के अंतर्गत पड़ते गांव ओड में पानी की व्यवस्था ठप हो गई है। विभाग की ओर से 4 साल पहले ट्यूबवेल बनाया गया था, जो आज दिन तक चालू नहीं किया गया। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों में आक्रोश है। गर्मियां शुरू होते ही जिला सांभा के कई इलाकों में पानी की समस्या शुरू हो जाती है। लोगों को कुएं के पानी और बरसात के पानी के पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो कई तरह की बीमारियों को न्योता दे रही है। लोगों ने खड्ड पार कर 1 किलोमीटर चलकर पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द इस ट्यूबवेल और सरकारी हैंडपंप को ठीक करने की मांग की, ताकि उन्हें साफ सुथरा पानी मिल सके। अब देखना है कि प्रशासन नींद से कब जागता है। जम्मू में कल 15 अगस्त को लेकर मिनी स्टेडियम परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस परेड का खुद डिवकॉम जम्मू संजीव वर्मा ने निरीक्षण किया और झंडारोहण के बाद सलामी ली। इस दौरान प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। डिवकॉम ने लोगों से कहा कि इस बार 15 अगस्त का जश्न सब अपने घरों में मनाएं और मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में पतंगबाजी का चलन है। इस वजह से देश में पतंग और मांझे का करोड़ों का सालाना कारोबार होता है। इस बार भारत और चीन के बीच तनाव को दिल्ली समेत देश भर के व्यापारी चीनी मांझे का बहिष्कार कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बीच चीनी मांझे पूरे भारत में नहीं बिकेंगे। हालांकि दिल्ली में चीनी मांझा साल 2017 से बैन है। इस बार बाजार में चीनी मांझे पर दिल्ली पुलिस की भी कड़ी नजर है। वहीं कोरोना महामारी की वजह से इस बार पतंगे बेचने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी बिक्री में गिरावट हुई है। प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा के साथ ही 16 अगस्त से माता वैष्णो देवी यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में जारी होने वाली विस्तृत SOP के आधार पर ही यात्रा के प्रबंध किए जाएंगे। पहले चरण में स्थानीय यात्रियों के लिए यात्रा शुरू की जाएगी। इसमें सामाजिक दूरी, मास्क पहनने के नियमों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही श्राइन बोर्ड की ओर से सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम किया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में शुरू होने वाली यात्रा नए ताराकोट मार्ग से शुरू किए जाने पर विचार चल रहा है। पूरे ट्रैक पर श्रद्धालुओं के लिए निशान लगा दिए गए हैं, ताकि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जा सके।
केंद्र सरकार संचालित तेल कंपनियों ने चीनी कंपनियों द्वारा संचालित या उनके मालिकाना हक वाले तेल टैंकरों की बुकिंग को बंद करने का फैसला लिया है, भले ही जहाज किसी तीसरे देश में पंजीकृत हो। ये निर्णय चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियों को रोकने के लिए पिछले महीने जारी निर्देशों के तहत आया है। बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा तनाव तो चल ही रहा है, दोनों देशों के व्यापार संबंधों में भी खासा तनाव आया है। कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट की पार्टी में वापसी के साथ ही पिछले एक महीने से राजस्थान में जारी सियासी संकट आखिरकार समाप्त हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सियासी उठापटक के दौरान जो भी हुआ उसे भूलने की जरूरत है। इस बीच भाजपा ने गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आज हम अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कर प्रणाली फेसलेस हो रही है, ये करदाता के लिए निष्पक्षता और एक भरोसा देने वाला है। कर मामलों में बिना आमना सामना के अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार करदाता का जीवन आसान बनता है तो वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है।